बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुधीर इट इज माई चैनल, मैंने इतनी वीडियोज अपलोड की। तो आज जो है मैं आपको लिंग्विस्टिक्स की टाइप्स जो है वो अपलोड करूंगी और बताऊंगी कि उनकी एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है और वो किस तरह से डिफाइन की जाती है। ये लिंग्विस्टिक क्या है, ये हमने पढ़ लिया है, जनरल लिंग्विस्टिक्स और ये सारी टाइप्स हैं। तो एक्चुअली जो है लिंग्विस्टिक्स की काइंड्स क्या है, सब फील्ड्स क्या है लिंग्विस्टिक्स की, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स एंड द मैक्रो लिंग्विस्टिक्स आर द सब फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। आज हम माइक्रो और मैक्रो दोनों जो है स्टडी करेंगे, देखेंगे। इफ वीडियो विल नॉट लॉन्ग देन जो है मैं इसी में आपको इसका दे दूंगी लेक्चर, लेकिन अगर ना हो पाए तो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स पर लेक्चर देके प्लस मैं अपलोड कर दूंगी माइक्रो लिंग्विस्टिक्स का राइट नाउ। सो व्हाट इज माइक्रो लिंग्विस्टिक्स? माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में एक्चुअली हमारे पास टाइप्स आती हैं फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। देन कम्स टू मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास टाइप्स आती हैं लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, नॉट सोशियो। ओके, मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था इसके ऊपर, दैट दिस इज सोशियो लिंग्विस्टिक्स नॉट सोशियो लिंग्विस्टिक्स। आई एम अगेन रिपीटिंग, इट्स सोशियो लिंग्विस्टिक्स नॉट सोशियो लिंग्विस्टिक्स। देन न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, then comes discourse analysis, then computational linguistics and then applied linguistics। so जी आज अब माइक्रो लिंग्विस्टिक्स को सबसे पहले डिफाइन करूंगी यहाँ पे मैं। सो फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो इसमें हम क्या करते हैं फोनेटिक्स में? फोनेटिक्स में हम देखते हैं कि इंसान जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो किस तरह से यूज की जा रही है, हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज। सो फोनोलॉजी जो है यहाँ पे आती है हमारे पास। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड्स एज डिस्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स इन द स्पीकर्स माइंड्स दैट डिस्टिंग्विश मीनिंग। तो फोनोलॉजी जो है इसमें हम किसी भी यानी कि आपने अगर कोई बात माइंड में सोची है, ठीक है, अगर आपने माइंड में कोई बात सोची है और उसका मीनिंग आप देखते हैं कि किस तरह से सोसाइटी जो है आपका मीनिंग जो है वो कैसे ले ले रही है, ठीक है, आपने अपनी जो बात कन्वे की, अपना मैसेज कन्वे किया, पर सोसाइटी इसको कैसे ले रही है। सो फोनोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम स्पीकर का माइंड सेटअप देखते हैं, उसमें देखते हैं कि उसने वेदर उसने कौन से एलिमेंट्स यूज किए हैं, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स यूज किए हैं या डिस्क्रीट एलिमेंट्स यूज किए हैं, और जो है उसका जो उसकी बात का मीनिंग क्या आ रहा है। देन माइक्रो लिंग्विस्टिक्स की एक और टाइप है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्चुअली द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड हाउ दे कैन बी मॉडिफाइड। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि वर्ड का स्ट्रक्चर देखते हैं, प्लस ये देखते हैं कि इस वर्ड को कैसे मॉडिफाई किया गया, कैसे प्रोनाउंस किया गया। देन सिंटेक्स, सिंटेक्स में हम देखते हैं द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। सिंटेक्स में हम क्या देखते हैं कि किस तरह से वर्ड्स कंबाइन होके एक ग्रामेटिकल सिंटेक्स बनाते हैं, और जब हम सॉरी सेंटेंस बनाते हैं, जब हम वो सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं या उसको स्टडी करना होता है, लेटर ऑन हम किसी भी ग्रामेटिकल सेंटेंस को अगर ले रहे होते हैं सिंटेक्स के लिए, तो हम सिंटेक्स को देखते हैं। उसके बाद हमारे पास सिमेंटिक आता है। सिमेंटिक का एक्चुअल मीनिंग ही मीनिंग है, मीनिंग ऑफ द वर्ड। एंड लेक्सिकल सिमेंटिक्स भी इसमें आता है, एंड फिक्स वर्ड कॉम्बिनेशंस एंड हाउ दिस कंबाइन टू फॉर्म द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो किस तरह से जो है वर्ड्स कंबाइन होके किस तरह से एक सेंटेंस बनाते हैं, इसमें हम लेटर ऑन जो है बहुत सारी और भी आगे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। आगे लेक्सिकल सिमेंटिक्स है, एक फिक्स वर्ड सिमेंटिक्स, एक और भी है इसका फ्री फॉर्म सिमेंटिक्स, इस तरह से कुछ है, लेकिन उसकी एग्जाम्पल्स भी है लेटर ऑन। वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो मैं उसके लिए अलग लेक्चर अपलोड करूंगी। देन कम्स प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ अटरेंसेस आर यूज्ड, वेदर दोज अटरेंसेस विल बी लिटरली, फिगरेटिवली और अदरवाइज इन कम्युनिकेटिव एक्ट्स। हम देखेंगे प्रैग्मेटिक्स कि किस तरह से हम किस तरह से हम बोल रहे हैं, या किस तरह से हम सेंटेंस को बोल रहे हैं, और किस तरह से उसको अटर किया जा रहा है, किस तरह से जो दूसरा बंदा है उसको कैसे ले रहा है। देन मैक्रो लिंग्विस्टिक्स की जो टाइप्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में अपलोड में करूंगी। सोशियो लिंग्विस्टिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हमारे पास फिर साइको लिंग्विस्टिक्स आ जाएगी, न्यूरो डिस्कोर्स लिंग्विस्टिक्स आ जाएगी, और फिर हमारे पास अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स आ जाएगी, एंड देन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स भी इसमें आ जाएगी, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द अपलोड करूंगी। तो जो है एक और लेक्चर, थोड़े सी और पॉइंट्स जो है मैं इसके ऊपर आपको देना चाहूंगी,
फोनेटिक्स और मॉर्फोलॉजी के ऊपर कि इसमें कि फोनेटिक्स अगेन रिपीट कर रही है यहाँ पे कि फोनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। हम इसमें साउंड्स को देखते हैं कि किस तरह से वो प्रोड्यूस की गई है, ठीक है, किस तरह से बोली गई है, किस तरह से वो ट्रांसमिट की गई है और किस तरह से किसी की बोली हुई साउंड को हमने रिसीव किया है। यू गेटिंग माई पॉइंट? देन फोनोलॉजी, फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड फंक्शन इन अ लैंग्वेज, ठीक है, किस तरह से हमारी साउंड जो है वो लैंग्वेज में वर्क करती है। इट स्टडीज द वे स्पीच साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड, इट कैन बी सीन एज द फंक्शनल फोनेटिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो फोनोलॉजी क्या होती है, इसमें देखते हैं कि हमने जो लैंग्वेज यूज की है, ठीक है, या जो वर्ड्स यूज किए हैं उसका लैंग्वेज में क्या किरदार है, उसका लैंग्वेज में क्या फंक्शन है। देन कम्स मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, के वर्ड्स किस तरह से फॉर्म हो गए हैं, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे देखते हैं कि हम लोग उसका वर्ड्स का फॉर्म फॉर्मेशन कैसे हो रही है। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच ब्रेक वर्ड्स इनटू मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स क्या होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, उनका हम वर्ड बनाते हैं दरम्यान में। फिर इट कैन बी कंसिडर्ड एज द ग्रामर ऑफ वर्ड्स एज सिंटेक्स इज द ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस। तो सिंटेक्स में भी हम क्या करते हैं, वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस बनाते हैं। सेम इज विद द मॉर्फीम, मॉर्फीम में भी हम वर्ड्स को कंबाइन करके लेटर्स को कंबाइन करके जब वर्ड बनाते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी की फॉर्म में आता है। फिर हम देखते हैं उसमें के स्ट्रक्चर कैसा है वर्ड का। Then comes syntax. Syntax deals with the combination of words into phrases, clauses and sentences. It is the grammar of sentence construction. तो इसमें syntax में हम क्या करते हैं, मैंने अभी पीछे बताया था कि हम words को combine करके phrases बना सकते हैं, clauses बना सकते हैं and sentences बना सकते हैं। Sentence क्या होता है, ठीक है, sentence more than 2 to 3 words होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 words होते हैं या उससे भी ज्यादा जो है वर्ड्स होते हैं, लेकिन 1-2 वर्ड्स के ऊपर जो है वो जस्ट जस्ट फ्रेजेस या क्लॉजेस ही मुश्तमिल होती हैं। देन कम्स सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स व्हिच इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ऑल इट्स फॉर्मल एस्पेक्ट्स। वर्ड्स हैव सेवरल टाइप्स ऑफ मीनिंग। तो सिमेंटिक में एक्चुअली हम सिंपल, बहुत ही आसान है सिमेंटिक्स, सबसे आसान टाइप है माइक्रो लिंग्विस्टिक्स की। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मीनिंग देखते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से कि हम जो वर्ड बोल रहे हैं उसका क्या क्या मीनिंग आ सकते हैं। फिर हम जो है प्रैग्मैटिक्स है, प्रैग्मैटिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट, कि हम किस तरह से हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है, ठीक है। और प्रैग्मैटिक्स में एक्चुअली होता क्या है कि आपने जो बात बोली है वो दूसरा बंदा उसको कैसे रिसीव कर रहा है, उसको कैसे ले रहा है। तो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स की टाइप जो है हम लेटर ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, नए लेक्चर के साथ जरूर हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।